ठीक। और इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, इसकी पहली एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है अभी समझाता हूं, आप लिख लो ये। देखो, सपोज करो एक साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था लैब में। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो साइंटिस्ट? एक स्ट्रिंग लेके, एक धागा लेके पत्थर को बांध के गोल गोल घुमा रहा था। उसने ये एक्सपीरियंस किया कि जो वो फोर्स लगा रहा है घुमाने के लिए, वो फोर्स पत्थर के मास पे डिपेंडेंट है। मतलब कहीं ना कहीं मास चेंज करते हैं तो उसकी फोर्स चेंज हो रही है, उसको पता लग गया। उसको ये भी पता लग गया कि जो फोर्स है वो रेडियस पे डिपेंडेंट है। स्ट्रिंग लंबा, स्ट्रिंग छोटा, तो फोर्स कम ज़्यादा लगानी पड़ती है। उसको ये भी पता लग गया कि ये फोर्स इस पत्थर की वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। तेज घुमाता है, स्लो घुमाता है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। तीन फैक्टर्स पे पता लग गया कि फोर्स इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। वो बनाना चाहता है फोर्स का फॉर्मूला। रिलेशन का मतलब क्या बनाना है? फॉर्मूला। जैसे न्यूटन ने फॉर्मूला बनाया था एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। अब न्यूटन को कैसे पता आर डिनोमिनेटर में आएगा, उसका स्क्वायर ही होगा, क्यूब क्यों नहीं होगा, रेज टू पावर फोर क्यों नहीं होगी, मास एम वन एम टू होगा, एम वन स्क्वायर क्यों नहीं होगा? कोई लॉजिक तो होता होगा फॉर्मूला बनाने के लिए। वो लॉजिक कौन बताएगा? डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसमें क्या किया उसने, ये रिलेशन पता कर लिया। उस साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि मास पे डिपेंडेंट तो है, रेज टू पावर कितना है, रेज टू पावर टू है, थ्री है, वन है, पता नहीं। तो उसने क्या लिख लिया? रेज टू पावर है। ए पता नहीं पावर क्या है। उसको ये नहीं पता था कि आर की पावर क्या है। उसको ये नहीं पता था कि वी की पावर क्या है। तो उसने क्या किया, उसने यहां पर आर की पावर को क्या लिख लिया? बी। और वी की पावर को क्या लिख लिया? सी। क्लियर है? फिर उसने क्या किया, इन्हें कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने का मतलब इसे कंबाइन लिखा, दैट इज एफ एफ प्रोपोर्शनल टू एम रेज टू पावर ए, आर रेज टू पावर बी, वी रेज टू पावर सी। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, ए बी एंड सी, राइट। अब इसको आगे चलाने से पहले, कोई भी रिलेशन अगर करेक्ट है, कोई भी फॉर्मूला अगर करेक्ट है, जैसे मान लो एक फॉर्मूला है आपके पास एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस का लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? एल। एल वेलोसिटी का क्या है? एल टी माइनस वन। और टाइम का क्या है? टी। तो यहां पर मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? एल। तो आप चेक करें लेफ्ट का और राइट का डायमेंशन फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है। तो याद रखना, अगर कोई भी रिलेशन करेक्ट है तो उसका लेफ्ट का और राइट का डायमेंशन फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या आएगा? सेम। तो आप एक चीज देखें, इसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि ये फॉर्मूला करेक्ट आए, तो हम एक काम करते हैं, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पुट करते हैं। एम एल टी माइनस टू, कॉन्स्टेंट का तो होता ही नहीं कुछ भी, वन। मास का एम रेज टू पावर ए, आर का लेंथ रेज टू पावर बी, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन रेज टू पावर सी, पुट कर दिया। इसे सिंप्लीफाई किया, एम एल टी माइनस टू, एम की पावर ए, एल की पावर बी, एल की पावर सी, टी की पावर माइनस सी। सिंप्लीफाई किया, एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू एम की पावर ए, एल की पावर बी प्लस सी, क्योंकि दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर ऐड हो गई, और टी की पावर कितनी? माइनस सी। क्या स्टेप क्लियर है? पावर्स एडजस्ट कर ली राइट हैंड साइड ओपन करके, एम की पावर, एल की पावर, टी की पावर, क्लियर है यहाँ तक? अगर आप ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो क्या रूल बनाया कि एम की जो पावर है वो एम के इक्वल होनी चाहिए, लेफ्ट और राइट का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो एम की पावर यहाँ पर है कितनी? वन। वन
ये देखो कंपेयर करो n की पावर 1 और राइट साइड पे m की पावर कितनी a, तो 1 इज इक्वल टू a, लेफ्ट पे m की पावर 1 है राइट पे m की पावर a है तो 1 इज इक्वल टू a। नेक्स्ट कंपेयर करो l की पावर l के साथ तो क्या आएगा 1 इज इक्वल टू b प्लस c, t की पावर t के साथ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस c। कंपेयर हो गया, कंपेयर करने का मतलब पावर लेफ्ट और राइट की सेम कर दी। तो आप चेक करो a तो आप निकाल ही चुके हो, यहां से c की वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई 2, जब आप c को 2 यहां पुट करोगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 1। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ए बी सी आ गया। इस ए बी सी को इस फॉर्मूले में उठा के पुट कर दो तो क्या आएगा, देखो फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे फोर्स इज सम कॉन्स्टेंट इन टू एम की पावर ए, ए कितने है 1, आर रेस टू पावर बी, बी कितने है माइनस 1, वी रेस टू पावर सी कितने है 2, तो फोर्स इज सम कॉन्स्टेंट इन टू एम वी स्क्वेयर बाय आर, क्या बन गया फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तैयार हो गया और कैसे, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूलाज। तो क्या किया इस क्वेश्चन में, ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ये जो चीज है कि एफ किसके प्रोपोर्शनल, ये सब गिवन होगा। तो आपने पावर्स लगा लेनी है ए बी सी, फिर आपने क्या करना है इन्हें कंबाइन करना है, फिर आपने कॉन्स्टेंट लगाना है, फिर आपने क्या करना है इसमें फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है पुट करना है, मास का, रेडियस का और वेलोसिटी का, पावर्स एडजस्ट करनी है, फिर क्या करना है एम की पावर एम के साथ, एल की पावर एल के साथ, टी की पावर टी के साथ इक्वेशन बनेंगी, ए बी सी आएगा, ए बी सी को पुट करके फॉर्मूला तैयार होगा। तो इसके ऊपर हम प्रैक्टिस नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन जब तक आपको डायमेंशनल फॉर्मूलाज नहीं आएंगे आपका क्वेश्चन आगे चल ही नहीं पाएगा। असली काम ये है कि डायमेंशन फॉर्मूला सही पुट करें, क्लियर है। तो एप्लीकेशन में मान लिखना है तो आप लिख लें प्लीज इसे। कॉन्स्टेंट की इसकी डिसएडवांटेज है, ये चैप्टर आपको कॉन्स्टेंट की वैल्यू बता नहीं सकता।